हेलो हेलो, वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? हेलो, चलिए मैं आ गया। वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू यू अगेन। मैं हूँ आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को सीएलआर एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि अभी हम लोगों का क्लास 9th का लेक्चर चल रहा है, ओके, क्लास 9th का लेक्चर में हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने 5 लेक्चर कर लिया है। लास्ट लेक्चर में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोगों ने करा था, ओके। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम लोग डेरिवेशन उसका देख लिए थे। अभी आज का जो लेक्चर है हमारा वो है पावर। पावर पढ़ेंगे आज हम लोग, और कमर्शियल यूनिट, पावर एंड कमर्शियल यूनिट पढ़ेंगे, ओके। तो देखते हैं पावर में क्या क्या पढ़ना है हमें। तो चलिए पहले इसको साफ कर लेते हैं। पावर, तो पावर को बोलते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, और द रेट एट विच वर्क इज डन बाय एन ऑब्जेक्ट, या इसको तीसरे डेफिनेशन में ये भी बोल सकते हैं, द रेट इन विच, या द रेट बाय विच एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू एनदर फॉर्म, यानी कि एक जगह से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब एनर्जी चेंज होते हैं तो किस रेट से चेंज हो रही है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। तो चलिए लिख देते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ओके। तो और में लिख देते हैं, और भी देख लेते हैं। अच्छा, इसको वन दे देते हैं, इसको दूसरा देते हैं। द रेट एट विच वर्क इज डन बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक, ये हो गया। और एक और लिख सकते हैं इसमें डेफिनेशन, थर्ड, द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑफ एनर्जी बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक, ये हम लोग बोल सकते हैं पावर। तीन तीन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इसको दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, द रेट, दूसरे लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज तो वही रहेगा। दूसरा एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं, द रेट ऑफ, द रेट एट विच वर्क इज डन बाय एन ऑब्जेक्ट, ओके। फिर उसके बाद है हमारा द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय एन ऑब्जेक्ट। तो ये सब सिंपल सिंपल डेफिनेशन है पावर का, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि पावर इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं, वर्क अपॉन टाइम, ठीक। और हम लोग ये भी लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम, ओके। देखिए तो पावर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, वर्क हमारे पास क्या है डब्लू, और टाइम क्या है टी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, पावर इक्वल टू डब्लू बाय टी, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। तो यही हमारा पावर है, ओके। या इसमें आप और लिख सकते हो, एनर्जी का ई अपॉन टी, ठीक। पावर का ये भी लिख सकते हैं ना, पी इज इक्वल टू, ओके। अब यहाँ से एक और चीज़ हो सकती है, यहाँ से हम लोग वर्क भी निकाल सकते हैं,
या एनर्जी अगर मान लो यहाँ से निकालना हुआ तो एनर्जी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ई निकालना है तो पावर इंटू टाइम हो जाएगा, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। ओके, ये हो गया हमारे पास पावर का फॉर्मूला, और पावर के साथ साथ हमने यहाँ पावर से एनर्जी का भी फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे एक लाइन आता है कि इसका यूनिट क्या होगा और ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो इसका यूनिट होता है बेटा वैट, क्या होता है वैट, जूल पर सेकेंड, जिसको हम लोग बाद में वैट बोलते हैं, और ये होती है स्केलर क्वांटिटी, पावर जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो चलिए लिख देते हैं, SI यूनिट ऑफ पावर, तो ये हो जाता है क्या, ये हो जाएगा देखो वर्क अपॉन टाइम है, यानी कि वर्क का हमारे SI यूनिट क्या होता था, जूल, जूल, और टाइम का टी, यानी कि सॉरी टाइम का सेकेंड। ओके, जूल पर सेकेंड, इसी को हम लोग बोलते हैं वेट। ठीक, तो SI यूनिट क्या हो गया, वेट हो गया। और यहाँ पे एक और लाइन लिखेंगे हम, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्या होता है, पावर स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है कितना वेट है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता बेटा, याद रखना ध्यान से कि पावर का SI यूनिट, सॉरी पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये हमेशा स्केलर क्वांटिटी ही रहेगा क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। ओके, तो यही है हमारा पावर, इतना ही पढ़ना है। इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ पढ़ना होता है कि यहाँ लिख दूँ इसको रब करने से पहले, चलो यहाँ पे एक बॉक्स बना करके लिख देता हूँ आपको, हाँ, कि जैसे 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट होता है 1000 वाट, ठीक, ये होता है 1 किलोवाट, 1 मेगावाट होता है एक, तो ये हो जाता है 1000 × 3 0, यानी कि ये होता है 10^6 वाट। ओके, ये होता है। यहाँ पे एक और आता है 1 हॉर्स पावर, तो ये होता है 746 वाट, ये क्या होता है 746 वाट। ये सब याद रखिए, अभी न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने में ये काम आ जाएगा हमारे। ओके, ये हमारे पास पावर आ गया, तो पावर आ गया तो इसके रिगार्डिंग एक हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं, पावर के रिगार्डिंग हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेंगे। ओके, अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे पास पावर आ गया, देखिए पावर का डेफिनेशन था, उसके बाद वर्क अपॉन टाइम कर दिया, एनर्जी अपॉन टाइम आ गया, इसका हम लोगों ने SI यूनिट निकाल दिया वैट है, फिर ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है, 1 किलोवाट क्या हो जाता है 100 वाट हो जाता है। ओके, और 1 मेगावाट क्या हो जाता है, 1000 वाट है, और 1 मेगावाट में उतना में और 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारे पास पावर आ गए। तो चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं पावर से रिगार्डिंग। तो अभी एक इसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल कर लेंगे तो हमें पावर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पावर कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम लोग कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, जो हम लोग को बिजली बिल आती है, जो बिजली बिल हमारे पास आती है ना, कितना यूनिट हम लोगों ने एक मंथ में यूज किया, तो वो कैसे निकालते हैं
वो अभी सीखेंगे, और फिर उस पर भी एक न्यूमेरिकल एक आध दो करेंगे, और फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का प्रॉब्लम जो होता है वो करेंगे, उसके लिए दो लेक्चर हम लेने वाले हैं, और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के जितने भी प्रॉब्लम हैं वो कर लिया जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी तो मस्ट है, बिना एनसीईआरटी का क्या होगा। चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, कि अ मैन कैरिंग अ बैग ऑफ मास 25 kg, अ मैन कैरिंग अ बैग ऑफ मास 25 kg क्लाइम्स अप टू अ हाइट ऑफ 10 meter। मतलब एक आदमी है जो 25 kg के बैग लेकर के और 10 मीटर हाइट पे जा रहा है, ओके। कैलकुलेट द पावर डिलीवर्ड बाय हिम टू द बैग, मतलब बैग उठाने में कितना वो पावर लगा रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो चलिए लिख देते हैं भाई, अ मैन कैरिंग अ बैग ऑफ मास 25 kg, ओके, क्लाइम्स अप टू अ हाइट 10 meter इन 50 seconds, 50 seconds टाइम भी दे दिया है। कैलकुलेट द पावर डिलीवर्ड बाय हिम टू द बैग, कैलकुलेट द पावर डिलीवर्ड बाय हिम टू द बैग। ये क्वेश्चन है, ठीक। अब इसमें एक चीज दो हमें समझना होगा, क्या कि जो मैन है, एक आदमी है, वो 25 kg के मास को मतलब उठा रहा है, बैग है, ठीक। उसको 10 मीटर हाइट तक ले जाने में कितना लग रहा है, 50 सेकेंड टाइम लग रहा है, तो कितना पावर डिलीवर किया, ओके। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि उसने वर्क कितना करा, ठीक। मैन जो वर्क कर रहा है, मतलब बैग उठाने में कितना वर्क कर रहा, तो यहाँ पे वर्क क्या करेगा, यहाँ पे वर्क क्या करेगा मैन, ये उसके mg के बराबर ही काम करेगा ना उसका उठाने में। जैसे कि मास है 10 kg, कहाँ गया 25 kg, ओके, ठीक। तो किसी भी बैग को हम लोग उठाते हैं तो उस पर mg है, यानी कि वो इंसान जो है वेट जितना है उतना काम कर रहा है, मतलब फोर्स लगा रहा है उस पर उठाने में, ओके। तो फोर्स कितना हो जाएगा हमारे पास, फोर्स हो जाएगा, जो फोर्स लगा रहा है वो हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा mg, ठीक, क्योंकि यही फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर ऑफ ग्रेविटी, या इसको वेट बोल देते हैं, वेट ही बोल देते हैं, वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बैग, ठीक, इतना वो लगा रहा है, ठीक। तो मास कितना है, फोर्स आ जाएगा कितना आपका, आ जाएगा मास 25 kg है, इंटू जी हो जाएगा 9.8 लेंगे यहाँ पे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो इसको हम लोग कैलकुलेट जब करते हैं तो 245 newton आता है, ठीक, 245 newton हमारे पास क्या आ गया, फोर्स आ गया, फोर्स हमारा कितना आ गया, 245 newton।
अब देखिए, अब हमें वर्क चाहिए, ठीक, वर्क चाहिए, वर्क कितना किया उसके बाद ना हम लोग पावर निकालेंगे। तो वर्क कितना, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो फोर्स हमारे पास कितना है 245 न्यूटन, ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास 10 मीटर, कितना है 10 मीटर। तो ये हमारे पास कितना आ गया 24, हाँ, यानी कि 2450 जूल, ये हमारे पास वर्क आ गया, ओके, वर्क आ गया। अब हमारे पास पावर, अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे अब, पावर। तो अब हम लोग निकालेंगे पावर, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, क्या होता है बेटा, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क हमारे पास कितना है 2450 जूल, यानी कि 2450 जूल, और टाइम क्या है 50 सेकेंड, ये हमारे पास है, लिख देते हैं जूल और ये नीचे सेकेंड, तो 10 से 10 गया, ठीक। और ये 5 पंचों को 20 यानी कि 4, और ये 45 यानी कि 49 हमारे पास आ गया, यानी कि हमारे पास क्या आ गया मेरे लाल, कि पावर इक्वल टू आ गया 49 वैट, ठीक, यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक। तो देखिए कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। पहले हम लोगों ने बैग क्या लगा रहा है, इंसान जो उठा रहा है उस बैग को, तो उठाते हैं तो कितना, उसका जितना वेट है उतना हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो फोर्स को क्या कर दिया, एम जी इक्वल टू क्या है, वेट ऑफ बैग, वेट ऑफ बैग, ठीक, एम जी कर दिया, एम जी फोर्स, यानी कि एम जी इस पर लग रहा है, ठीक, फोर्स आ गया एम जी इतना 245 न्यूटन। अब वर्क हम लोगों ने क्या कर दिया, वर्क निकाल लिया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा वर्क कितना आ गया, ओके। उसके बाद जब वर्क आ गया तो पावर हम लोगों ने निकाल लिया, वर्क अपॉन टाइम लगा दिया, तो वर्क अपॉन टाइम कर दिया, तो हमारे पास पावर आ गया, ठीक। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और अब है हमारे पास कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, अब हम लोग पढ़ेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, उसके बाद एक न्यूमेरिकल इस पर भी हम करेंगे अच्छा सा। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे अब, तो कमर्शियल यूनिट में हम निकालेंगे कि वन यूनिट इक्वल टू कितना जूल होता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक। तो ये एनर्जी कितना होता है, ये 1 किलोवाट आवर को हम लोग बोलते हैं कमर्शियल यूनिट, 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट इंटू टाइम, मतलब पावर इंटू टाइम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर। तो देखिए यहाँ पे 1 किलोवाट आवर को हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट,
ठीक ओके। तो 1 किलोवाट क्या है बेटा, पावर है, और आवर क्या है, टाइम, यानी कि टाइम। तो हमारे पास क्या, पावर इंटू टाइम क्या आता है, एनर्जी, क्या है। तो कुल मिला के हमें एनर्जी फाइंड आउट करना है, कुल मिला के हमें क्या फाइंड आउट करना है, एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। 1 किलो वैट, ठीक, तो 1 किलो वैट आवर चाहिए हमें। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले 1 किलो, यानी कि 1 किलो का कितना होता है, 1000 वैट इंटू आवर, ओके, इंटू आवर, ओके। अब देखिए, अब 1 किलो वैट आवर ऐसे लिखते जाएंगे। अब 1 किलो वैट आवर लिखा गया, तो 1 किलो वैट और इंटू आवर को हम लोग मिनट में भी, सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसको मिनट में चेंज किया तो 60 मिनट, फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको क्या किया, सेकेंड में, मिनट को फिर से सेकेंड में चेंज किया, तो ये क्या हो गया, 60। ये हमारे पास अब सेकेंड में आ गया, क्या आ गया, सेकेंड में आ गया, ठीक आ गया ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 1 किलो वैट आवर क्या आ जाता है हमारे पास, 1 3, फिर ये 3 × 6 × 6, यानी कि ये क्या हो गया, वैट इंटू 3600 सेकेंड, ठीक ये आ गया, ओके बात। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, 1 किलो वैट आवर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 यानी कि 36 पे कितना, 3 और ये 2, यानी कि 50, ठीक। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये जूल आ गया, इतना जूल, क्योंकि वाट पर सेकेंड है ना, वाट इंटू सेकेंड है, ठीक। देखिए वैट इक्वल टू क्या था, जूल पर सेकेंड है, तो जूल इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, वाट इंटू जूल इक्वल टू क्या, वाट इंटू सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे वैट है और यहाँ पे सेकेंड है, यहाँ पे वैट है, यहाँ पे सेकेंड है, यानी कि जूल आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई होकर के। तो लिख देते हैं जूल। अब इसको हम लोग फर्दर ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाता है 1 किलो वैट आवर इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल, ठीक। और यही जो है हमारा बेटा कमर्शियल यूनिट है, इसको ब्लैक से राउंड कर देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट एनर्जी, ठीक, 1 यूनिट एनर्जी लिख देते हैं, एनर्जी भी लिख देते हैं। चलिए ये देखिए, हाँ 1 किलो वैट आवर को हम लोग क्या बोले थे, 1 यूनिट, तो 1 किलो वैट आवर कितना आ गया, 3.6 × 10⁶ जूल आ गया, ठीक। और इसी को हम लोग क्या बोल दिए, 1 यूनिट एनर्जी बोल दिए। तो यही हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है हमारे पास, ये 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर आता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 यूनिट एनर्जी। देखो फिर से कुछ नहीं किया हमें, 1 किलो वैट आवर निकालना है, 1 किलो वैट आवर निकालना, ओके। तो 1 किलो वैट आवर निकालने के लिए हमें क्या, पहले किलो वैट में इसको चेंज करना पड़ेगा, फिर इसको आवर से मल्टीप्लाई है, ठीक। तो यहाँ पे किलो वैट को हम लोगों ने वैट में चेंज किया, ठीक। तो 1 किलो वैट में होता है 1000 वैट, ठीक, इंटू आवर है तो आवर कर दिया, ठीक। अब ये 1000 वैट में आ गया, तो इसको हमें सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट हमारा क्या है, जूल अपॉन सेकेंड है, यानी कि वैट इक्वल टू जूल अपॉन सेकेंड, ये जूल क्या है, वैट इंटू सेकेंड, यानी वाट वैट में ये आ गया पावर, तो इसको हम लोग क्या निकालेंगे, सेकेंड में, ठीक। ये हो गया, तो हमने इसको क्या, आवर को क्या किया, सेकेंड में चेंज किया, पहले इसको मिनट में, फिर उस मिनट को फिर सेकेंड में चेंज कर दिया, तो इतना सेकेंड आ गया। फिर देखिए 3600 सेकेंड आ जाता है, उसको मल्टीप्लाई किया, तो इतना 36 और इतना 36 पे 50 जूल आया, उसको हम लोग ब्रेक कर दे, 3.6 × 10⁶ जूल आ गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी बोलते हैं। यही हमारा 1 यूनिट ऑफ एनर्जी है, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस पर एक क्वेश्चन हम लोग करके समझते हैं इसको, कि आखिर ये है क्या। चलिए क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा हमारे पास।
एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है इसके बेस पे, तो वही हम लोग अभी सॉल्व कर लेंगे। तो आज हमारा ये खत्म, वर्क एनर्जी एंड पावर इतना ही है मेरे लाल, इतना ही है। अब हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन केवल खेलेंगे। वैसे हर एक फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, अभी और करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन, फाइंड द एनर्जी इन किलो वैट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वैट ईच। मतलब ये बोल रहा है कि 500 वैट पावर वाले 4 डिवाइस है, ठीक, जो कि 10 घंटा चलता है। कितना चलता है? 10 आवर। तो वो कितना एनर्जी कंज्यूम किया, यही क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसके लिए पहले क्या पावर दिया है, एक का दिया है, यानी कि चारों का पावर निकल जाएगा। टाइम दिया ही है, एनर्जी निकल जाएगा, वेरी सिंपल। तो देखिए पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, वो एक्सरसाइज का। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वैट ईच। मतलब सबके पास क्या है? 500 का पावर है, ओके, ठीक। तो देखिए पहले पावर निकाल लेते हैं, पावर दिया हुआ एक डिवाइस का, पावर ऑफ वन डिवाइस दिया हुआ कितना? 500 वैट, ठीक। तो पावर निकालना हमको चार डिवाइस के, तब 4 × 500 वैट यानी कि कितना हो गया? 2000 वैट आ गया। ये होगा ना, 500 का बेस हो गया। तो पावर हमारे पास क्या आ गया? पावर इक्वल टू आ गया, पावर आ गया हमारे पास कितना? 2000 वैट, ठीक। ये हमारे पास पावर आ गया। अब देखिए टाइम दिया हुआ कितना? 10 आवर। टाइम कितना गिवन है? 10 आवर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 10 आवर, ओके। तो अब हमें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी पावर इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहाँ से हमें एनर्जी चाहिए, यानी कि पावर इंटू टाइम। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है? पावर इंटू टाइम। तो चलिए पावर हमारे पास कितना है? 2000 वैट और इंटू टाइम, यानी कि 10 आवर, ओके। ये हमारे पास क्या है? ठीक, तो ये हम अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करें तो 2 पे एक और जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि E इक्वल टू हमारे पास आएगा 2 × 4 0, ठीक, 4 0 वैट आवर, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया? जूल में आ गया, जूल में आया इतना। इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये हम लोग देखेंगे, ये 1 किलो वैट हो गया, यानी कि 20 × 1 किलो वैट। तो ये हो गया एनर्जी हमारे पास आ गया 20 किलो वैट आवर। हमारे पास क्या आ गया? 20 किलो वैट आवर, यानी कि 20 यूनिट, यानी कि क्या आ गया हमारे पास? 20 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। समझ में आई बात? कुछ नहीं है, सिंपल था। एक डिवाइस का पावर दिया हुआ था, ठीक, तो 4 डिवाइस का निकाल लिए,
पावर। अब पावर आ गया, टाइम हमारे पास है, तो पावर इंटू टाइम कर दिया तो हमारे पास एनर्जी आ गया। एनर्जी आ गया कितना, 20,000, 20,000 जूल आया, यानी कि 1,000 जूल बराबर, सॉरी 20,000 वैट और आवर आया, यानी कि इसको हम लोग किलो वैट आवर में चेंज किए तो 20 किलो वैट आवर आ गया। और 20 किलो वैट आवर को हम लोग क्या बोलेंगे, 20 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो ये हमारा एनसीईआरटी का प्रॉब्लम था, पावर निकाल, ये एनर्जी निकालने का। ठीक, तो अभी टाइम है, देख लेते हैं एक आध, हाँ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी तो बहुत टाइम है, अभी 30 मिनट का ही हुआ है, तो एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सिंपल है, इसमें ये क्वेश्चन से हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझना आ जाता है। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट एच, एच हाइट से बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, ओके। व्हेन इट रीचेज द ग्राउंड इट्स वेलोसिटी इज 40 मीटर पर सेकेंड, जब ये ग्राउंड पे पहुँच दिए तो उसका वेलोसिटी क्या रहता है, 40 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द हाइट, वो हाइट पूछ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, कि पहले क्वेश्चन लिख ही देते हैं नहीं तो पंगे हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है ना, हाँ अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, हाइट एच, एच हाइट से ड्रॉप किया जाता है। व्हेन इट रीचेज द ग्राउंड, रीचेज द ग्राउंड इट्स वेलोसिटी इज 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द हाइट एच, फाइंड द हाइट एच, ये हमें फाइंड आउट करना है, मतलब हमें हाइट फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा, पहले समझ लेते हैं कि एक बॉल है यहाँ पे, ठीक, ये एच हाइट पे है, कितना हाइट पे है, एच हाइट पे है, क्या है, बॉल, ठीक, यहाँ पे एच हाइट पे है, ओके। तो इसके पास मास होगा, तो एच हाइट पे है इसके पास, तो यानी कि यहाँ पे इसके पास एनर्जी कितना होगा, एम जी एच होगा, ओके, एम जी एच होगा ना, एम जी एच होगा। अब क्या होगा कि इसको ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो नीचे आते आते इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, वी इक्वल टू हो जाता है 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसके पास नीचे आया ना, जब ये नीचे ड्रॉप हुआ तो उसके पास वेलोसिटी क्या था, 40 मीटर पर सेकेंड, ओके। नीचे मतलब थोड़ा सा ऊपर रहता है, पूरा सरफेस पे नहीं रहता है, ठीक। तो ये 40 मीटर पर सेकेंड आ गया, यानी कि अब यहाँ पे हमारे पास इसके पास क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी होगा, और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, यही होगा, होगा ना। तो चलिए क्या करना है, बस हमें पता ही है, यहाँ पे तो दोनों को इक्वल कर देंगे तो आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच कर देते हैं, ठीक, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी ही यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है ना,
क्योंकि पहले ये बॉल हाइट पे था, हाइट के वजह से इसके पास mgh आ गया पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जब ये नीचे ड्रॉप किया गया तो इसके पास 40 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है, क्या है 40 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है। तो चलिए तो ये m से m गया, ओके तो इधर बच गया वी स्क्वायर बाई टू, उधर बच गया जी एच, तो h हमें चाहिए तो g इधर आ जाएगा, तो वी स्क्वायर अपॉन टू जी इक्वल टू एच आ गया, ये आ गया ना हमारे पास, ठीक ये हमारे पास h का फॉर्मूला आ गया। अब इसमें पुट कर देते हैं, v दिया हुआ कितना 40 मीटर, तो चलिए h इज इक्वल टू वी स्क्वायर यानी कि 40 इंटू हम 40 कर देते हैं अपॉन टू और इंटू हम g को यहाँ पे 10 ले ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं g का वैल्यू हम यहाँ पे 10 ले ले रहे हैं, g को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम ले ले रहे हैं, ठीक तो ले लेते हैं 10, तो 10 ले लिए तो ये 4 हो गया, ये हो गया 20 यानी कि h क्या आ गया हमारे पास 80 मीटर हो गया, ये हमें फाइंड आउट करना था, ठीक। अगर ये 10 लिए थे 80 आया है, लेकिन वही 9.8 लेते थे 80.6 आएगा। अगर देखिए सॉल्व कर लेते फिर से, h इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन टू जी यानी कि 40 इंटू 40 अपॉन 2 इंटू 9.8, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 20 और ये कटता है कुछ, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 81.6 मीटर आता है। तो इसीलिए कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, g इज इक्वल टू 10 ले लिया ताकि कैलकुलेशन हमारा सिंपल हो जाए। तो ये सिंपल क्वेश्चन था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कि ये एनर्जी कंजर्व हो गया, mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर हो गया यहाँ पे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में टोटल का टोटल तो उसको इक्वलाइज कर दिया, देखो यहाँ पे इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, या लिखना चाहिए तो पोटेंशियल एनर्जी या इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, बस इक्वल करके mm तो कांस्टेंट है, वही है वही बॉल है, तो बॉल का तो मास सेम रहेगा ना, चेंज नहीं होगा, तो mm कट गया, बाकी h का फॉर्मूला आ गया वी स्क्वायर अपन टू हो गया, ठीक। तो यहाँ पे हमारा हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग एक आध न्यूमेरिकल हम लोगों ने कर दिया। अब इसमें एक टॉपिक हमने पढ़ाया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पे एक एग्जांपल लिया था पायरेट शिप का और मैंने बता दिया था कि ये पेंडुलम जैसा काम करता है, किसके जैसा पेंडुलम जैसा, जैसे पेंडुलम वॉल क्लॉक में पेंडुलम लगा हुआ रहता है ना, आप लोग देखे हैं घर में सबके पेंडुलम लगा रहता है, ये जो अलार्म क्लॉक बड़ा वाला रहता है, ठीक पेंडुलम वॉल जैसा। देखिए उसमें क्या था कि हमने एग्जांपल लिया था ऐसे, ठीक ये ऐसे ऐसे जा रहा था, मतलब यहाँ तक पहुँच रहा था, फिर यहाँ से ऐसे यहाँ तक पहुँच रहा था, ओके ये एल है, एल लेंथ है, तो यहाँ भी ये एल लेंथ हो जाएगा, यहाँ भी ये एल लेंथ हो जाएगा, ठीक। तो वहाँ पे हम लोगों ने बड़ा अच्छे से सब डिटेल में हम लोग पढ़ा, यहाँ पे क्या वी है, इसके पास वी है, जब ये जा रहा था इसके पास वी है, यानी कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा, इसके पास होगा। अब देखिए ये ऊपर गए तो इसको हम लोग रेफरेंस लेवल मान लेते हैं, मतलब रेफरेंस लाइन। अब यहाँ से ये जब इतना ऊपर गया यानी कि इसके पास एच है, यहाँ भी इसके पास क्या है, ये एच है, ठीक ये एच है, इधर लेफ्ट गया राइट गया लेफ्ट गया, ऐसे पेंडुलम होता है ना, या अब पायरेट शिप, तो हमने वहाँ पे सब सही बताया था, लेकिन देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये इधर से इधर जाता है तो ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, फिर ये पोटेंशियल एनर्जी, फिर ये जब ऊपर जाता है तब की बात है, फिर ये ऊपर से नीचे आता है तो फिर यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है फिर से यहाँ पे, क्योंकि ये ऊपर से आप वापस आता तो फिर वेलोसिटी, फिर ये इधर जाता है फिर एम जी एच पे जाता है, एच हाइट पे जाता है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, ये हमने डिस्कस, फिर वो पोटेंशियल एनर्जी अगर फिर वापस आता है तो फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है, हमने ये सारा चीज़ सही किया था,
उसमें वहाँ पे गलती से मिस्टेक जानते हो क्या हुआ था, हमें लिखना था क्या कि काइनेटिक एनर्जी इधर जा रहा है तो क्या में चेंज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में, और इधर भी जा रहा है तो क्या में चेंज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक, ये देखो काइनेटिक एनर्जी अगर इधर गया तो क्या पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ ऊपर ये, ठीक, और इधर भी आया तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ। ठीक, फिर वो पोटेंशियल एनर्जी नीचे आकर के काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जा रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी, और फिर ये यहाँ से ये हो जा रहा है। तो ये लाइन हमें लिखना था, काइनेटिक एनर्जी चेंज टू पोटेंशियल एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी चेंज टू काइनेटिक एनर्जी, फिर यहाँ से काइनेटिक एनर्जी चेंज टू पोटेंशियल एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी चेंज टू काइनेटिक एनर्जी, बस यही लाइन एक छूट गया था वहाँ पे हमसे कुछ, और इस टाइप का लिखा गया था पोटेंशियल एनर्जी ऐसे, काइनेटिक एनर्जी फिर पोटेंशियल एनर्जी, कुछ ऐसा लिखा गया था। तो ये लाइन अच्छा है, मतलब समझाया था तो सब सही था, लेकिन सिर्फ ये लिखना हम भूल गए थे ये वाला। ठीक, तो ये देख लीजिएगा आप लोग लास्ट लेक्चर का जो था हमारे पास, बाकी सब ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम करेंगे। हमारा यहाँ पे लेक्चर इस छठा लेक्चर हो रहा है ना, वर्क एनर्जी एंड पावर ख़त्म हो गया, और अब दो लेक्चर हम सिर्फ लेंगे इसका एनसीईआरटी प्रॉब्लम का। तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरे चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।